नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विवाह समारोह में उल्लंघन हुआ तो 50,000 का जुर्माना। सफेदकर गैंग फिर पुलिस की गिरफ्त में, बेरोजगार युवक ने लगाई फांसी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। विवाह समारोह में उल्लंघन हुआ तो 50,000 का जुर्माना। कोरोना संक्रमण की कड़ी को खंडित करने की दिशा में भले ही दो दिन पहले लॉकडाउन लगाते हुए कड़ी पाबंदियां लागू की गई हो, लेकिन इसके बावजूद स्थिति सुधरती दिखाई नहीं देने से अब पुनः राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार गुरुवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार विवाह समारोह के लिए छूट तो प्रदान की गई, किंतु अब समारोह में केवल 25 लोगों के उपस्थिति की शर्त ला दी गई है। इसी तरह केवल 2 घंटे के भीतर विवाह समारोह का निपटारा करना होगा। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो आयोजकों पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना लगने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं। तो वही दूसरी ओर सफेदकर गैंग फिर पुलिस की गिरफ्त में। अपराधी रंजित सफेदकर और उसकी गैंग एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में है। मनीष श्रीवास हत्याकांड को लेकर दोबारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए सफेदकर, उसके साथी कालू हाटे, भरत हाटे और हेमंत गोरखा को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है। सफेदकर की गिरफ्तारी जमीन पर अवैध कब्जा, जमाने और फिरौती मांगने के मामले में हुई है, जबकि कालू, भरत और गोरखा को श्रीवास हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद न्यायालय ने इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल रवाना कर दिया था। बाद में पुलिस ने प्रकरण में मौका की धाराएं बढ़ा दी। रंजीत से तो पूछताछ हो गई, लेकिन अन्य तीन जेल में थे। पुलिस ने न्यायालय से इन तीनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने की अनुमति ली। गुरुवार को तीनों को गिरफ्तार किया गया, शुक्रवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। सफेदकर ने एक परिवार की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाया, कब्जा खाली करने की एवज में पिस्तौल की नोक पर धमकाकर फिरौती मांगी। इस प्रकरण में पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया है, उसे भी शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत मांगी जाएगी। तो वही तीसरे और बेरोजगार युवक ने लगाई फांसी। नागपुर न्यू कामठी थाना क्षेत्र में बेरोजगार हुए युवक ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सैलाब नगर निवासी मोहम्मद शकील अब्दुल सत्तार अंसारी बताया गया। शकील पेंटिंग का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते रोजी तक नहीं बन रही थी। शकील पिता बनने वाला था, पत्नी प्रसूति के लिए मायके गई थी। बुधवार की शाम 7:30 के दौरान उसने अपने घर में ओढ़नी से फांसी लगा ली। परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा और तुरंत नीचे उतारा, निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। कामठी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।